सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकेंड। और मेरे सामने आज है हीरो की एक्सट्रीम 160R 4V प्रो एडिशन। और मैं अभी खड़ा हूँ श्री कृष्णा हीरो शोरूम के सामने, ठीक है। स्पेशल थैंक्स टू श्री कृष्णा हीरो शोरूम फॉर हेल्पिंग मी आउट। तो सबसे पहले गाइस मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये है प्रो एडिशन, ठीक है। इसमें तीन वेरियंट्स आते हैं, स्टैंडर्ड, एक एच कनेक्ट आती है एंड एक आता है गाइस ये वाला प्रो वेरियंट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है, कितने दिन से सोच रहा था कि ये वाला गाइस स्पेशली ब्लैक के ऊपर जैसे लेमन ग्रीन कलर है, ये वाला बाइक का कब मैं रिव्यू कर पाऊंगा, तो फाइनली मेरे हाथ लग गए गाइस। सो देखते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंस है। सो देखो ऑब्वियसली 4V है, 160R 4V, एक्सट्रीम 160R 4V। तो इंजन जो है सेम टू सेम है, इंजन में कुछ डिफरेंस नहीं है, बट ओवरऑल लुक्स में और फीचर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले जब हम लोग बाइक को देखते हैं एक बार, तो गाइस देखो ग्राफिक्स इसका काफ़ी कुछ डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे टू टोन में ऐसे आता है बिल्कुल, ये वाला पार्ट अलग, ये वाला पार्ट अलग कलर का आता है। मैं एक बार घूम के आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो ऐसा टाइप का कुछ है, पीछे भी ऐसे यहाँ पे हीरो का हल्का सा लोगो आता है, यहाँ पर भी हल्का सा आप लोग देखोगे तो कलर आता है छोटा सा एक पार्ट। नीचे यहाँ पर 4V लिखा हुआ आता है हल्का सा, 4 valve ऐसे। और व्हील्स में भी हल्का आप लोग देखोगे तो रिम टेप है, जो बॉडी का कलर है लेमन ग्रीन वैसे रिम टेप किया हुआ है ऐसे करके, ठीक है। और अगर हम लोग देखें और भी डिटेल में, तो ये वाला चीज़ गाइस देखो यहाँ पे स्प्लिट सीट हम लोग को देखने को मिलता है। एक और मेजर चेंजेस जो हम लोग को देखने को मिलता है वो है गाइस USD फॉक्स, ठीक है। KYB के USD फॉक्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी के, मोटे हैं काफ़ी USD फॉक्स। तो इसके वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, हैंडलिंग काफ़ी अच्छा हो जाता है, ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, कॉर्नरिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो और भी अगर मैं डिटेल में आप लोगों को दिखाऊं गाइस, जो स्विचेस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जो एक्सट्रीम 200S में यूज़ हो रहा है, एक्सपल्स में यूज़ हो रहा है, 160R के जो दूसरे वेरिएंट है उसमें भी जो स्विचेस यूज़ हो रहे हैं सेम टू सेम है, बट इसमें भी कुछ कुछ डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस तरफ देखो हाई बीम लो बीम का स्विच है ऐसे, और यहाँ पर टर्न सिग्नल्स के स्विच है, यहाँ पर हॉर्न का स्विच है, यहाँ पर पास के लिए छोटा सा। इस साइड में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर SOS का आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो एच कनेक्ट वाला वेरिएंट है ना, उसमें आप लोगों को इस साइड में SOS का एक छोटा सा बटन दिखता है, जो कि इसमें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, बट इसमें भी हैजार्ड आप लोगों को मिलता है। और इस तरीके का कुछ किल स्विच मिलता है, किल स्विच में ही डायरेक्ट मतलब इंजन कट ऑफ स्विच और किल स्विच एक साथ है, ये टू स्टेप है, जैसे ऐसे करते हैं हम लोग फिर नीचे प्रेस करके रखने से ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ऐसे टाइप का कुछ है। तो मीटर में क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मीटर ऑन ही है। तो मीटर का जैसे हम लोग ऑफ करके ऑन करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ पे ABS का एक लाइट आ रहा है, क्योंकि अभी स्टैंड पे है बाइक, और ABS का इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, इंजन चेक लाइट, यहाँ पे फ्यूल का एक छोटा सा इंडिकेटर आ रहा है, ठीक है, मतलब फ्यूल अप करना है, लो फ्यूल इंडिकेटर। और अगर हम लोग डिटेल में मीटर में देखेगा, यहाँ पे देखो ऊपर टैकोमीटर मिलता है हम लोग को, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन इंडिकेटर, छोटा सा क्लॉक मिलता है, और यहाँ पर फ्यूल गॉज मिल रहा है। और अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को यहाँ पर ट्रिप ए ट्रिप बी ऑटोमीटर, तो ये सब चीज़ें मिल जा रहे हैं। और यहाँ पर गाइस आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं देखने को मिलता है, तो इसलिए SOS भी यहाँ पे नहीं है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी जो फीचर है वो आप लोगों को एच कनेक्ट वाले जो वेरिएंट है उसमें देखने को मिलेगा, बट उसमें आप लोगों को फिर USD और ये देखने को नहीं मिलेगा, स्प्लिट सीट देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें एक और चीज़ है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस, इसके जो डिस्क है ना, इसके जो ब्रेक्स है, इसमें पेटल डिस्क आता है, तो पेटल डिस्क इसके इसलिए दिया जाता है ताकि कूलिंग अच्छा हो, मतलब बहुत एग्रेसिव ब्रेकिंग आप जब करते हो तो इससे ऐसे जो कट्स लगे हुए हैं इसके वजह से क्या होता है कि कूलिंग बहुत अच्छा होता है। स्प्लिट सीट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, बाकी ग्रैबरेल वगैरह सेम टू सेम है, सब कुछ आप लोगों को सेम मिलेगा यहाँ पे, स्प्लिट ग्रैबरेल, बैकलाइट भी एकदम सेम टू सेम है, फुल LED सेटअप यहाँ पर मिलता है, इंडिकेटर्स LED इंडिकेटर्स मिलते हैं, मड फ्लैप वगैरह सब कुछ सेम मिलता है। तो फुटरेसर्स अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, फुटरेसर्स यहाँ पे मेटल के फुटरेसर्स फोल्डेबल मिल रहे हैं, और सामने मेटल प्लस रबर मिक्स्ड यहाँ पे फुटरेसर्स मिल रहे हैं, ये भी फोल्डेबल है गाइस। और वन पीस यहाँ पर गियर लीवर मिलते हैं, 1 down 4 up इसका गियरशिप पैटर्न है, 5-speed बाइक है, ठीक है। अभी बहुत लोग बोल सकते हैं कि भाई 5-speed क्यों है, तो इस वाले सेगमेंट में इसका जो मतलब बाइक का जो पर्पज़ है उसके हिसाब से 5-speed बहुत बढ़िया है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाता है, ज़रूरी नहीं है 6-speed का। और सामने अगर मैं आप लोगों को लाइट दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो दोनों साइड पे छोटा छोटा दो DRL लाइट्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। और जैसे इसको स्टार्ट करते तो स्टार्ट करते ही यहाँ पे सामने एकदम ब्राइट LED लाइट, काफ़ी ज़्यादा अच्छा थ्रो है इसका। इसको अगर हम लोग हाई बीम करें तो ये देखो और ब्राइट, बहुत बढ़िया थ्रो है इसका एकदम, मतलब मैं इसके तरफ ज़्यादा देर देख नहीं पा रहा हूँ, आँखें मतलब धुंधले हो जा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा पावर है इसका। और टर्न सिग्नल्स अगर दिखाऊँ मैं, इसका भी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर गाइस मेन जो डिफरेंस हम लोग को देखने को मिला वो है इसका जो मतलब कलर है,
ठीक है, कलर का जो मतलब ग्राफिक्स वगैरह है ये चीज़, ठीक है। स्प्लिट सीट हो गया, USD फॉर्क हो गई, ये सब चीज़ यहाँ पे डिफरेंस है। बाकी हैंडल बार वगैरह देखोगे, बाकी सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे सेम टू सेम मिलेगा। इसमें भी आप लोगों को डुअल स्टैंड साइड स्टैंड एक साथ मिलते हैं, साइड स्टैंड कटअप सेंसर वगैरह मिलते हैं। इंजन की अगर मैं बात करूँ तो इंजन आप लोगों को इसमें सेम टू सेम 160cc 4 वेल्व 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड इंजन मिल रहा है। और ऑयल कूलर यूनिट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो सेम टू सेम यहाँ पर ऑयल कूलर मिल रहा है। आई डोंट थिंक आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा साइड से, ये देखो ऑयल कूलर यूनिट, तो ऑयल कूल्ड इंजन है। ये प्रोड्यूस करती है गाइस एक 16 PS ऑफ पावर, 16.9 PS ऑफ पावर एंड 14.6 Nm ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो पावर फिगर्स वगैरह सेम टू सेम है। एक बार इसको करते स्टार्ट, और सबसे मेन चीज़ गाइस इसका जो क्लच का फील है ना, पहले भी मैंने एक्सट्रीम 160 और जो एच कनेक्ट वाला चलाया था ब्लैक कलर का, ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, राइड रिव्यू का वीडियो, फुल परफॉर्मेंस रिव्यू, मतलब इस वाले बाइक का कैसा परफॉर्मेंस है, कैसा स्टेबिलिटी वगैरह है, वो सब आप लोग जाके देख सकते हो चैनल में। तो इसको करता हूँ मैं स्टार्ट करके आप लोगों को साउंड सुना देता हूँ। और यहाँ पर गाइस एक चीज़ देखो, अगर मैं हैजार्ड ऑन करूँ, हैजार्ड ऑन अगर नहीं भी करूँ तो टर्न सिग्नल्स का यहाँ पर आ रहा है और हाई बीम लो बीम का यहाँ पर है, ठीक है। मतलब आप लेफ्ट में करो या राइट में करो, यहाँ पे बीच में ही आपको दिखाएगा टर्न सिग्नल्स का ऐसे। तो एग्जॉस्ट नोट कुछ इस तरह का है, सेम टू सेम है जैसा मैंने बोला गाइस, बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे एच कनेक्ट हो गया, स्टैंडर्ड वेरिएंट हो गया, सेम टू सेम इंजन है, सेम टू सेम एग्जॉस्ट साउंड है। तो इसको करते हैं हल्का सा रेव। तो काफ़ी स्पोर्टी है एक्चुअली साउंड, और थॉटेल का रिस्पांस भी ना काफ़ी बढ़िया है गाइस। और सबसे मेन चीज़ जो मुझे अच्छा लगता है वो है गाइस RPM का फील, ठीक है। ऐसे देखो मीटर में आप लोग फॉलो करो RPM, ये चीज़ का ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। व्हील डायमेंशंस वगैरह बताओ तो सामने आप लोगों को 100x80 17 इंच व्हील मिल जाता है, और पीछे अगर मैं आप लोगों को व्हील दिखाऊँ तो पीछे 130 सेक्शन व्हील मिलता है गाइस। पीछे हम लोग को मिल रहा है 130x70 17 इंच व्हील मिल रहा है, ठीक है, जो कि ठीक ठाक है गाइस, काफ़ी फैट है, 160cc के हिसाब से अच्छा है। पीछे हम लोग को 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉकर देखने को मिल जाता है, और काफ़ी स्टाइलिश है, बढ़िया है गाइस। जैसे ऑलरेडी देखो मैंने एच कनेक्ट जो वेरिएंट था उसको चला भी लिया है, उसका अच्छे से रिव्यू भी किया था, तो उससे ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगा, अपार्ट फ्रॉम जो जो चीज़ मैंने बोला कि ग्राफिक हल्का डिफरेंस है। इसमें कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलता है आप लोगों को, इसके वजह से SOS का बटन देखने को नहीं मिलता है। स्प्लिट सीट मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पर, USD फॉक्स मिल रहे हैं, और यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं कुछ इस तरह के, तो ये सब डिफरेंस है। बाकी गाइस ओवरऑल सेम टू सेम है, सब कुछ सिमिलर है। हाँ ऑब्वियसली अभी प्राइस में प्राइस जो है ना, जो स्टैंडर्ड से लेके प्रो तक है 127 से स्टार्ट होता है, मतलब 127,000 से इसका प्राइस स्टार्ट होता है और 138,000 तक जाता है, ठीक है। मतलब एक 9-10,000 का ऐसे डिफरेंस है, मतलब स्टैंडर्ड से लेके प्रो वेरिएंट तक, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो वन सेकेंड गाइस, स्पेशल थैंक्स टू श्री कृष्ण हीरो फॉर हेल्पिंग मी आउट। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा, आज मैं इस बाइक को नहीं चलाऊँगा, बट आप लोग अगर हीरो एक्सट्रीम का राइड रिव्यू देखना है तो ऑलरेडी चैनल पे है। अभी बहुत लोग बोल सकते हैं कि भाई वो तो एच कनेक्ट वाला जो वेरिएंट है उसका है, तो आप लोग अगर परफॉर्मेंस रिव्यू देखना है तो वो वाला वीडियो देख सकते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस सेम टू सेम है, तो वो जैसे चलेगी ये भी सेम टू सेम चलेगी। हाँ ऑब्वियसली अभी इसका जो USD है एंड सीट का फील थोड़ा सा अलग होने वाला है, ये सब चीज़ हम लोग देख लेंगे, जो मतलब बैलेंस हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, ठीक है, इसका कैसा मतलब कॉर्नरिंग का कैसा फील रहेगा USD के वजह से, इसका फीडबैक कैसा है, ये सब एक अलग पार्ट हो गया। तो इसका अगर मैं राइड रिव्यू करता हूँ तो अलग से आप लोगों को देखने को ज़रूर मिल जाएगा, बट परफॉर्मेंस रिव्यू अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग चैनल पे जाके एच कनेक्ट का रिव्यू देख सकते हो, सेम टू सेम आपको इंजन का फील मिलेगा, एग्जॉस्ट साउंड वगैरह सब कुछ सेम मिलेगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एक छोटा सा एक्सट्रीम 160 और 4V प्रो का वीडियो था। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, टिल देन बी सेफ एंड कीप राइडिंग हार्ड गाइस, बाय बाय।